आज हम बनाएंगे मिल्क सोप्ड ब्रेड स्लाइसेस। ये बहुत ही टेस्टी स्वीट डिश होता है। इसके लिए हम सबसे पहले तवा में घी डालेंगे और उसे पूरे तवा में स्प्रेड कर देंगे। अब हम एक गंजी में दूध लेंगे जिसमें हमने शक्कर मिक्स करके ऑलरेडी रख ली है। अब इस दूध में हम ब्रेड की स्लाइस डालेंगे, डिप करेंगे दोनों तरफ से और उसको तवा पर जो हमने ऑलरेडी ग्रीस करके घी से ग्रीस किया था उस पर डाल दिया। और इस तरह से हम दूसरी ब्रेड को भी सोक करेंगे। देखिए मैं बता रही हूँ, और दोनों तरफ से सोक करना है, उसका दूध ड्रेन कर देना है और उसके बाद तवा पे डाल देना है। अब हम इसे लो मीडियम फ्लेम पे सिकने देंगे एक तरफ से, और ऊपर से थोड़ा सा घी स्प्रेड कर देंगे ताकि जब हम पलटाएंगे तो वो तवा पे चिपकेगा नहीं। और याद रखिए, इस डिश के लिए हो सके तो नॉनस्टिक तवा ही लीजिए, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा बनाने में इरिटेटिंग होता है और साफ़ डिश भी नहीं बनती है। अब ये देखिए, दूसरी तरफ से भी हमने दोबारा से घी लगा दिया है। अब इसे इसी तरह से दो बार पलटा लेने पर ये डिश तैयार हो जाती है। मुश्किल से इसे 3 से 4 मिनट लगता है एक बार तैयार होने में। इसी तरह हमने बची हुई ब्रेड के स्लाइसेस भी तैयार कर लिए, जैसे पहली वाली तैयार किए थे, सेम वही प्रोसेस करनी है। अब हमने ये लास्ट के जो ऊपर वाले जो और फर्स्ट स्लाइस होती है ब्रेड की, वो लिए हैं। कई बार लोग उसको फेंक देते हैं, यूज़ नहीं करते हैं, तो मैंने उसको किया, इसे ज़्यादा देर डिप कीजिएगा तो इसमें ज़्यादा स्वीट और दूध आ जाएगा तो वो और टेस्टी लगता है। इनफैक्ट टूटता भी नहीं है, बनाने में भी आसान होता है और खाने में भी अच्छा लगता है। वैसे तो बच्चों को दूध ब्रेड हमेशा ही अच्छा लगता है, मीठा दूध और उसके साथ ब्रेड, लेकिन ये एक डिश ऐसी है कि कहने को एक वैरायटी भी हो जाती है। और कभी हम चाहें तो बच्चों को इसमें टिफ़िन में भी दे सकते हैं, तो वो भी बहुत बच्चे शौक से खाते हैं, इसलिए इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आप चाहें तो इसका मिल्क फ्लेवर्ड कर सकते हैं, जैसे बॉर्नविटा या कोई भी इस तरह का मिल्क पाउडर डाल के, या फिर इलायची भी कूट कर डाल सकते हैं तो एक अलग फ्लेवर आएगा। ये देखिए बिल्कुल तैयार है, मैंने उसे काट के सर्व किए हैं।